दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा किसी ने सोचा नहीं था, श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में संजू और कैप्टन द्वारा हार्दिक पांड्या ने करके दिखा दिया। टी20 में एक नहीं दो शतक लगे। केवल छक्कों में डील करते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने रन नहीं बल्कि रनों की सुनामी ला दी और आखिरकार संजू और पांड्या ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में तूफानी शतक लगाते हुए कितने छक्के ठोक डाले। आतिशी बल्लेबाजी से उन्होंने कैसे किया श्रीलंका को घुटने टेकने पर मजबूर, दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और संजू में से खतरनाक खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, संजू को पिछले काफी वक्त से BCCI नजरअंदाज कर रही है, लेकिन अब न चाहते हुए भी उन्हें टीम में मौका मिला, क्योंकि संजू के चाहने वालों ने उन्हें टीम इंडिया में जगह देने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। और मैदान पर उतरते ही इस खिलाड़ी ने यह बता दिया कि वो बल्ले से क्या कर सकते हैं। कैप्टन हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर इस खिलाड़ी ने मैदान पर रनों की सुनामी ला दी। आपको बता दें, जब संजू की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने शानदार चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की और अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए। उधर हार्दिक पांड्या ने भी शुरुआत में ही दो छक्के लगाकर यह ऐलान कर दिया कि वो मैदान पर तबाही मचाने आए हैं। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने देखते ही देखते श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल ताबड़तोड़ चार छक्के जड़कर संजू सैमसन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक लगाने के लिए संजू ने कुल 17 गेंदें खेली थी और चार चौके भी लगाए। उधर हार्दिक पांड्या ने भी तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी, जहां उन्होंने संजू के बाद तुरंत 19 गेंदों का सामना करते हुए 5 छक्के जड़कर अपना 50 पूरा कर लिया। दोनों ही खिलाड़ी बेहद ही खतरनाक मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे और टी20 में एक नया कारनामा करने के बेहद करीब थे, जहां जिस तरीके से इन दोनों ही खिलाड़ियों ने पारी की शुरुआत की थी और अर्धशतक पहुंचा था, उसी अंदाज में संजू और पांड्या की बल्लेबाजी बरकरार थी। इधर लंकाई खेमे में हड़बड़ी मच चुकी थी। श्रीलंका के कप्तान बेहद परेशान थे कि वो इन दोनों ही खिलाड़ियों को पवेलियन की राह कैसे दिखाएं, लेकिन ये उनके बस में नहीं था। गेंदबाजी करने आए लंका के धाकड़ स्पिन गेंदबाज वानिंदु हंसरंगा ने एक ओवर में संजू और पांड्या ने मिलकर कुल 5 छक्के लगाए। जी हां, हार्दिक पांड्या और हंसरंगा की पहली दो गेंदों पर उन्होंने 2 छक्के लगाए। पहला छक्का मिड विकेट था तो वहीं दूसरा गेंदबाज के सिर के ऊपर से हार्दिक स्टेडियम में जमकर तालियां बज रही थी। अगली गेंद पर हार्दिक ने स्ट्राइक दी संजू को और ये बल्लेबाज से जैसे इंतजार ही कर रहा था कि कब इसको मौका मिले। और फिर ये क्या था, हंसरंगा की 3 गेंदों पर उन्होंने लगातार 3 छक्के लगाए। खुद हंसरंगा हैरान रह गए कि उनके साथ ये क्या हुआ। देखते ही देखते खिलाड़ी 90 रन के पार पहुंच गए थे और टी20 में एक जबरदस्त कारनामा होने वाला था। आपको बता दें, संजू और हार्दिक पांड्या ने शतक लगाकर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी। केवल 35 गेंदों का सामना करते हुए संजू ने अपने शतक को अंजाम दिया और 10 छक्के लगाए। उधर कैप्टन हार्दिक पांड्या ने 39 गेंदों का सामना करते हुए कुल 110 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 60 गेंदों और 4 चौके लगाए। संजू ने भी अपनी पारी में 5 चौके लगाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या को 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी भारत की कप्तानी करानी चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।